नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोली नेक्स्ट गोल्ड टैबलेट के बारे में। दोस्तों, फोली नेक्स्ट गोल्ड टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं और फोली नेक्स्ट गोल्ड टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, फोली नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इस टैबलेट के अंदर तीन तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, एल मिथाइल फोलेट कैल्शियम 5 mg और पैराडॉक्सिल 5-फॉस्फेट 3 mg और मिथाइल कोबालामिन 1500 mcg। दोस्तों, ये सारे इंग्रेडिएंट इस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, इसके प्राइस की बात करें तो ₹140 में ये 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इसका प्राइस जो है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है। इस समय जो इसका जो प्राइस है टैबलेट का, वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, इस टैबलेट का जो मैनली जो इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों यदि किसी को एनीमिया हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, खून की कमी होने पर भी इस टैबलेट को दिया जाता है। यदि किसी को खून की कमी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, RBC इंक्रीज़ करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। यदि किसी की RBC कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, साइटिका में इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि किसी को नसों में दर्द रहता है, नसों की कमजोरी है, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, आपकी मांसपेशियों की जकड़न की समस्या है, उसके साथ साथ आपको भूख नहीं लगती है, भूख में बहुत कम खाना खाते हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति को एक रोज़ की एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस टैबलेट को बच्चों को नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको मतली हो सकती है, खुजली हो सकती है, आपको दस्त हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, उसके बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।